हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि रियलमी C3 फ़ोन में आप लोग हैंगिंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास एक रियलमी C3 फ़ोन है और उस फ़ोन को चलाने में जो है बहुत ही हैंग हो रहा है, आप लोग नॉर्मल यूज़ कर रहे हो लेकिन फिर भी हैंग हो रहा है, या आप लोग गेम खेल रहे हो तब भी आप लोगों को बहुत ही हैंग देखने को मिल रहा है, तो अगर आपके फ़ोन में भी गाइस ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा गाइस कि कैसे आप लोग इस हैंगिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा गाइस, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हैंगिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो है आप लोगों को बैकग्राउंड में से एप्लीकेशन को क्लियर कर देना है। अगर आपके फ़ोन के बैकग्राउंड में बहुत सारे एप्लीकेशन रन हो रहे हैं तब भी जो आप लोग अपने फ़ोन को चला रहे हो ऐसे करके, और आपको जो है बहुत ही हैंग देखने को मिलेगा, क्योंकि गाइस ऑलरेडी बैकग्राउंड में बहुत सारे एप्लीकेशन रन हो रहे हैं। तो बैकग्राउंड में एप्लीकेशन रन होने से आपका जो रैम है वो ले लेता है बैकग्राउंड के एप्लीकेशंस, और आप लोगों को जो है फ़ोन में चलाने में बहुत ही हैंग देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बैकग्राउंड में से एप्लीकेशन को क्लियर कर दीजिए। देख सकते हैं क्लियर ऑल का ऑप्शन है, क्लियर ऑल पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही सभी एप्लीकेशन क्लियर हो जाएगा और आपका जो हैंगिंग प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है गाइस, उसके बाद आप लोगों को ऊपर से स्क्रॉल डाउन कर लेना है और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन है, वाईफाई, ब्लूटूथ, डाटा, उसके बाद नियर बाय शेयर है, हॉटस्पॉट है, लोकेशन है। तो अगर आपके फ़ोन में जो ये सभी ऑप्शन ऑन है और आप लोग अपने फ़ोन को चला रहे हो तब भी जो है आपके फ़ोन में बहुत ही हैंगिंग प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा, क्योंकि गाइस यहाँ पर ये सब ऑन होने से ये सब ऑप्शन जो है एनी टाइम स्कैन होते रहते हैं और स्कैन होने से आपका फ़ोन जो है वो बहुत ही हैंग होता है। तो यहाँ पर से चेक कर लेना है गाइस, अगर आपके फ़ोन में ये सब ऑन है तो इन सब को ऑफ़ कर दीजिए, ऑफ़ करके अपने फ़ोन को चलाइए, आपका जो हैंगिंग प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आप लोग और क्या कर सकते हो गाइस, उसके बाद अपने फ़ोन को क्लीन करके रखना है। तो रियलमी के फ़ोन में क्लीन करने के लिए यहाँ पर एक फ़ोन मैनेजर का एप्लीकेशन दिया जाता है गाइस, देख सकते हैं ये रहा, तो इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है क्लीन अप स्टोरेज का, तो इस क्लीन अप स्टोरेज पे आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करते ही मेरे फ़ोन देख सकते पहले से क्लीन है इसलिए यहाँ पर क्लीन का ऑप्शन नहीं आया है, लेकिन आप लोगों के फ़ोन में यहाँ पर लोडिंग होके नीचे ही क्लीन का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग अपने फ़ोन को क्लीन कर सकते हो। क्लीन करने से भी आपका जो हैंगिंग प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। उसके बाद आप लोग और क्या कर सकते हो गाइस, उसके बाद अपने स्टोरेज को थोड़ा खाली करके रखना है। अगर आपके फ़ोन में जो है स्टोरेज फुल हो गया होगा तब भी जो है आपके फ़ोन में हैंगिंग प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अगर स्टोरेज फुल होने से आपका फ़ोन में जो है बहुत ही लोड पड़ जाता है और आपका फ़ोन जो है वो ठीक से काम नहीं कर पाता है, परफॉर्मेंस आप लोगों का डाउन हो जाता है। तो इसलिए स्टोरेज को थोड़ा सा खाली रख दीजिए और आपका जो हैंगिंग प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है गाइस, उसके बाद यहाँ पर से आप लोगों को प्ले स्टोर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे, फ़िलहाल मेरे फ़ोन में ऑफलाइन दिखा रहा है क्योंकि मैंने डाटा ऑन नहीं किया है। और यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर की तरफ एक जीमेल का प्रोफाइल देखने को मिलेगा, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं नीचे एक सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो इस सेटिंग्स के ऑप्शन पर जो है आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होगा नेटवर्क प्रेफरेंसेस का, तो इस नेटवर्क प्रेफरेंसेस पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑटो अपडेट ऐप्स का, तो इस ऑटो अपडेट ऐप्स पे क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ तीन ऑप्शन आए हैं, अगर आपके फ़ोन में ऊपर के इन दो ऑप्शन पर सेट है जैसे कि ओवर एनी नेटवर्क और ओवर वाईफाई ओनली, तब क्या होगा गाइस, जब भी आपके फ़ोन में डाटा ऑन होगा या वाईफाई से कनेक्ट होगा आपका फ़ोन, ऑटोमेटिकली जो है बैकग्राउंड में एप्लीकेशन अपडेट होते रहेंगे, तब भी जो आपके फ़ोन में बहुत ही हैंगिंग प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। तो इसको हमें ऑफ़ करना है। ऑफ़ करने के लिए एकदम लास्ट वाला ऑप्शन देख सकते हैं डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स, इस पर क्लिक कीजिए और डन पे क्लिक कर दीजिए। ऐसा करते ही गाइस आपके फ़ोन के बैकग्राउंड में कोई भी एप्लीकेशन अभी ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगा और आपका जो हैंगिंग प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है गाइस, उसके बाद यहाँ पर से आप लोगों को एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना है। अगर आपके फ़ोन में बहुत सारे एप्लीकेशन है जो आप लोग नहीं चलाते हो लेकिन डाउनलोड करके रख दिए हो यहाँ पर, तब भी जो है आपके फ़ोन में बहुत ही हैंग देखने को मिलेगा, तो एप्लीकेशन तो आप लोगों को अनइंस्टॉल करना आता ही होगा गाइस। सिंपली एप्लीकेशन पे लॉन्ग प्रेस कीजिए, एक ऐप इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर अनइंस्टॉल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देने से एप्लीकेशन अनइंस्टॉल हो जाता है।
तो एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करने के बाद भी आपका जो हैंगिंग प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे करके जो आप लोग अपने रियलमी C3 फ़ोन में हैंगिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।